शो मन सुंदर ने कंप्लीट किए अपने 900 एपिसोड्स। इसी मौके पर हमने बात करी शो की रूही यानी कि नैंसी रॉय से। तो आइए सुनते हैं पूरी बातचीत। सो हाय नैंसी, फर्स्टली स्वागत है आपका जस्ट शोबिज में एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल्सो, शो ने 900 एपिसोड कंप्लीट कर लिए, जहां आज के दौर पे आप देखते होंगे, हम भी देखते हैं कि 100 शो 500 एपिसोड पे ही बंद हो जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगी इस जर्नी के बारे में आपके पहले? सबसे पहले तो नमस्ते, मैं नैंसी रॉय और आप देख रहे हैं जस्ट शोबिज। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमने 900 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं, लेकिन ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है, आपके प्यार की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक्चुअली ये शो बहुत ब्लेस्ड है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ खाटू जी। जी खाटू जी, ऑल्सो मैं खाटू जी की पर्सनली एज नैंसी भी बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं जयपुर जाती हूँ, खाटू जी के मंदिर जाती हूँ, और मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कोइंसिडेंटली खाटू जी का ही शो मिल जाएगा। जी तो ये भी बहुत कोइंसिडेंट है मेरी लाइफ में एक। और ये शो के बारे में ये कहना चाहूँगी कि ये शो इसलिए भी ब्लेस्ड है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पूरी टीम बहुत अच्छी है। कभी ऐसा होता है कि हमारा शो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एवरीवन इज़ टुगेदर, सब मिलके वो चीज़ों को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें इसलिए भी ऊपर जाती हैं, चीज़ें अच्छी होती हैं, चीज़ें बेटर हो जाती हैं। तो जी जी, जैसे कि आपने बताया था कि आपको भी लगभग 1 साल हो गए हैं, तो आपकी जर्नी पर्सनली कैसी रही अब तक की? पर्सनली मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं टाइम बाय टाइम ना मैं लोगों से क्लोज होती गई। क्योंकि मैं जब आई थी तब मुझे थोड़ा ऑकवर्डनेस तो लगा था क्योंकि मलाड से यहाँ पर आना थोड़ा हैक्टिक था मेरे लिए, लेकिन जैसे अब मुझे रूटीन वाइज आदत हो गई है ना, तो अभी मेरे लिए काफ़ी कंफर्ट है। और थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ शुरू में क्योंकि कहीं ना कहीं जो जैसा रुचिता ने किया वैसा रूही को देखा जा रहा था, लेकिन रूही और रुचिता बिल्कुल सेम तो नहीं है, डिफरेंट है कहीं कहीं, लेकिन हाँ एज रूही मुझे जैसा लगता है कि मैं अपने कैरेक्टर को ऐसा करूँ तो मैं वैसे प्रेजेंट करती हूँ। जी जी, जैसे कि आपने शो बीच में ज्वाइन किया था तो कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े थे? या लीप के टाइम थोड़ा हो जाता है मुश्किल क्योंकि आपको सेम उसी रूप में ढाला जाता है जिस रूप में पहले की जो भी होती है, जैसे पहले श्रुति दी थी, तो कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन हो जाता है कि लाइक उसकी जैसा दिखना चाहिए, उसकी जैसा बोलना चाहिए, लेकिन एज दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स है, दोनों डिफरेंट पर्सन है, तो आप बिल्कुल सेम तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैंने जैसा मुझे गाइड किया गया, जैसा मुझे बोला गया, मैंने उतना अपना देने की कोशिश की है, और उसकी वजह से मेरी ऑडियंस मुझे बहुत प्यार भी कर रही है। आई गेस मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी बीच में मैं थोड़ी बीमार पड़ गई थी तो मुझे फैंस के मैसेज आ रहे हैं, मेरी पूरी टीम को मैसेज आ रहे थे रूही दीदी कहाँ हैं, हमें उनसे मिलना है, हमें उनसे बात करना है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सर। जी जी, साथ ही एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि नैंसी को रूही की वो कौन सी क्वालिटी पसंद है जो आप अपने अंदर अडॉप्ट करना चाहेंगे? रूही बहुत कम बोलती है और नैंसी बहुत ज़्यादा बोलती है, कहीं कहीं मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैं एज नैंसी कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ, तो मुझे उस चीज़ में थोड़ा होता है कि थोड़ा सोच के बोलना होता है, जैसे रूही बहुत सुलझी हुई सिंपल सी लड़की है जी, और नैंसी ऐसी है कि वो कुछ नहीं सोचती बोलने से पहले, तो जो भी मन में आता है सब बोल देती है। और मेरे अंदर एक ये भी है कि मैं चीज़ों को छुपा दिल में नहीं रख सकती जी, जो भी होता है मैं बोल देती हूँ, हाँ ऐसा 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 है, तो कभी कभी चीज़ें आपको अपने अंदर भी रख लेनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें लोगों को बुरी लग जाती है तो मुझे कभी कभी वो समझ में नहीं आता। ओके, जाते आते आपके फैंस के लिए कोई मैसेज? मैं अपने फैंस के लिए ये मैसेज करना चाहूँगी कि जैसे आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे शो को इतना आगे बढ़ाया आपने, तो हमारे शो को और आगे बढ़ाते रहिए, हमें 9000 तक पहुँचाइए और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।